एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब चैनल में इंडियन ब्लॉगरा किचन टू ब्यूटी विद लाइफस्टाइल। आप सब अपने घरों में, लॉकडाउन चल रहा है तो होपफुली सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप खुद स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपनों को स्वस्थ रख पाएंगे। ठीक है जी, चलिए आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो एक पुदीने की चटनी है, लेकिन आप इसको सिंपल पुदीने की चटनी मत समझिएगा। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी मैं लेके आई हूँ और ये जो चटनी है मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाऊंगी। ये जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत अच्छा है, गर्मी में हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ कि वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है। इसके लिए आपको रेसिपी आप देखेंगे तो उसमें आपको ये इंग्रेडिएंट का पता चल जाएगा। ठीक है जी, ये जो पुदीने की चटनी है इसके बारे में बताना चाहूंगी। पुदीना, पुदीना हमारे भारत में तो हर घर में यूज किया ही जाता है। इसको हम अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं, कोई इसका पुदीने जलजीरा बना के पीता है, कोई स्मूदी बना के भी पीता है। अगर दो चार पत्ते आप रोज लेते हैं तो भी आपको बेनिफिशियल रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको पुदीने की चटनी बताने जा रही हूँ। ठीक है जी, पुदीना, पुदीना क्या है? पुदीना एक मेंथा वंश से संबंधित एक खुशबूदार जड़ी है। इसकी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है जी, इसके प्रजातियां यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। अंग्रेजी में इसको मिंट कहते हैं और हिंदी में तो पुदीना आप सब लोग जानते ही हैं कि हम इसे पुदीना कहते हैं। रोजाना की डाइट में हमें इसे जरूर शामिल करना चाहिए। पुदीना बेसिकली एक मुख्य आहार तो नहीं है, पर इसकी जो मौजूदगी अगर हमारे खाने में रोजमर्रा के जो खाना है उसमें अपने 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 तरीके से शामिल कर रहे हैं तो ये भोजन को का जो स्वाद है वो बहुत बढ़ा देता है और प्लस स्वास्थ्य के लिए तो है ही अच्छा। पुदीने की जो पत्तियां होती हैं उसको चटनी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो फिलहाल मैं आपको आज पुदीने की पत्तियों की चटनी बनाना सिखाती हूँ। ठीक है जी, चलिए आज का मैं बता रही हूँ हमने क्या क्या सामान लिया है। सबसे पहले हमने पुदीना मार्केट से ऐसे परचेज किया, ऐसे इस टाइप की गुट्टी आती है, सबको पता ही है वैसे, लेकिन मैं वैसे ही आपको थोड़ा थोड़ा बताने जा रही हूँ। इसको हमने क्या, गुट्टी को खोला, हमने इस टाइप से अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद क्या हुआ, हमने इनको पत्तों को अलग अलग कर लिया। जैसे आपने वो गुट्टी से ये निकाला, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ, वैसे मैंने ये धोके और धो लिया है इस पुदीने की पत्तियों को, सारा धोके और थोड़ा सुखा के रखा हुआ है। ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको कर रही हूँ। ठीक है जी, ये हमने पुदीने की पत्तियों को एक एक पत्ता अलग करके इस टाइप से साफ कर लिया है। पुदीने की डंडियां आप अलग करके रख दें। और इसमें इन्ग्रीडियंट्स मैं बता देती हूँ आपको, ये हरी मिर्च ली है हमने, पुदीना तो बेसिकली चाहिए चाहिए, एक अपने कच्चे आम लिया है। कच्चा आम अभी आना शुरू हो चुका है, बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, कच्ची कैरी भी कहते हैं इसको, तो आप ये कच्ची कैरी जरूर लीजिएगा। कई लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कोई दही डाल लेता है, कोई नींबू डाल लेता है, कोई टाटरी डाल लेता है, कोई टमाटर भी डाल लेता है चटनी में, लेकिन अभी मैं आपको ये वाली चटनी मुझे सबसे अच्छी लगती है, तो आज मैं ये चटनी बना रही थी तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आप सबके साथ ही शेयर कर दूं। ठीक है जी, ये हमने चीनी ली है, आप चीनी की जगह मिश्री भी ले सकते हैं। और ये ब्लैक, ये सिंपल सॉल्ट लिया है मैंने, और इसमें ये आपको थोड़े काले काले से दाने नजर आ रहे होंगे, ये मैंने पतंजलि का लिया है जी, तो इसमें थोड़ा सा आयरन मिक्स है। ठीक है जी, और ये हमने एक ब्लैक साल्ट भी लिया है। आप सिंपल डाले, थोड़ा मिक्स करके डालेंगे तो टेस्ट इसका बच जाएगा और हाजमे के जो काला नमक रहता है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। ठीक है जी, और ये हमें ग्राइंड करने के लिए एक मिक्सी जार चाहिए होगा। ठीक है जी, ये इंग्रेडिएंट बता दिए हैं और ये सिंपल मैं बता चुकी हूँ आपको। हमने गुट्टी ली और इस टाइप से हमने छील के इस टाइप से अलग अलग पत्ता करके ऐसे हमने बॉल में धो के रख लिया है। और ये भी मैंने पहले धो के सुखा लिए हैं, मिर्ची मैंने धो के सुखा ली है। आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करना है, बिल्कुल थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से सफाई होना अपने खाने में बहुत जरूरी है। ठीक है जी, और अभी हम बनाना शुरू करते हैं, किस टाइप से हमें बनाना है इसको। ठीक है, अभी बताते हैं आपको। ठीक है जी, अभी हमने मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें हमने ये जो हमारे धुले हुए पत्ते हैं ये हम इसमें डाल देते हैं। ये हमने इसमें डाल दिए हैं पत्ते, अपने हिसाब से आप थोड़े ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी हम कैरी डालेंगे इसमें, कैरी को आप छील के डालिएगा। कई लोग क्या सीधा भी डाल देते हैं, लेकिन आप छील के डाल दें तो पत्ते वैसे तो पूरे मिक्सी में हो जाते हैं, ग्राइंड हो जाते हैं, लेकिन आप इसको छील के डालेंगे तो ज्यादा सही रहता है। ठीक है जी, ये बिल्कुल फ्रेश कैरी है, मैंने आज ही परचेज की है, ये देखिए। बहुत ज्यादा टुकड़ा डालने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा खट्टी रहती है तो आप थोड़ा सा डालेंगे ना तो भी इसका टेस्ट बहुत ज्यादा एनहेंस कर देता है इमली, सॉरी ये पुदीने की चटनी को। इस टाइप से आपने कैरी का टुकड़ा लिया
और आप इसको छील लीजिएगा। ज़्यादा इसमें डलती नहीं है कैरी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टी रहती है, तो बहुत ज़्यादा खट्टापन भी अच्छा नहीं लगता। ये हल्का सा खट्टी मिट्टी चटनी बने तो वो टेस्ट बड़ा अच्छा रहता है। ये थोड़ा सा अपने और डाल देते हैं, बस इतना सफिशेंट रहेगा। जैसे मैंने ये थोड़ी सी अम्बी इस एक अम्बी आप लेते हैं तो आपकी कम से कम 3-4 बार चटनी इस हिसाब से बन जाती है, ठीक है जी। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें हरी मिर्च डालें, आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट रहता है वो हरी मिर्च रहता है, क्योंकि ये पेट के लिए भी अच्छी रहती है, लाल मिर्च थोड़ा पेट के लिए कम अच्छी रहती है, ठीक है जी। वैसे जिसके घर में जैसा ही इन्ग्रीडियंट्स मिले उसी हिसाब से बना सकते हैं। और इसमें मैं सिर्फ ये ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, कई बार मिर्चें बहुत तीखी होती हैं, आप उस हिसाब से मेजरमेंट करके एक मिर्च भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये मैंने डाल दी है हरी मिर्ची डाल दी है, और अभी हम थोड़ा सा ये वाला नमक डाल रहे हैं, सिंपल नमक है जो रोजमर्रा के खाने में हम डालते हैं। अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा, ठीक है जी। ये थोड़ा सा अपने काला नमक भी इसमें डाल देते हैं, ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस थोड़ा, बस ज़्यादा भी तीखा ना हो जाए और ज़्यादा नमक भी ना हो जाए, तो अपने स्वादानुसार नमक की क्वांटिटी आपने रखनी है, ठीक है जी। ये नमक हो गया हमारा, और अभी हम इसमें चीनी भी मिक्स कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, ठीक है जी, जितना आपको चाहिए। ये आप बाद में कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा चख लीजिएगा, अगर आपको चीनी कम लगती है, नमक कम लगता है या मिर्ची कम लगती है, तो आप इमीडिएट घड़ा बड़ा अपने अकॉर्डिंग सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है जी। ये मैं पुदीना इसमें और डाल देती हूँ, और अभी हम इसको ग्राइंड करके, मिक्सी में ग्राइंड करके ला के दिखाते हैं कि फाइनली ये चटनी कैसी बनती है। अभी सामान हमने सारा डाल दिया है, तो अभी मैं इसको बंद करके, मिक्सी जार है ये, इसको मैं अभी मिक्सी में ग्राइंड करके दिखाती हूँ आपको फाइनली इसकी क्या शक्ल रहती है, ठीक है जी। अभी मैं अपनी मिक्सी में हूँ और मिक्सी ग्राइंड कर, आप चेक करते रहिएगा, एक दो बार आपको चेक करना पड़ेगा, कई बार तो ये पतली मतलब बिल्कुल फेंट की नहीं जाती है, तो आपको जैसे मैंने अभी फेंटा तो अच्छे से मिक्स नहीं हुई है, तो आप एक बार और मिक्स कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं अभी मिक्सी में इसको फेंट लिया है, अच्छे से पेस्ट बना लिया है, ठीक है जी। अभी ये देखिए जी, बहुत ही अच्छा पेस्ट बन चुका है, लेकिन अभी इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो मैंने डाला ही नहीं, आप सोच रहे होंगे, ठीक है। तो अभी मैं बताती हूँ हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट कौन सा है। ये देखिए जी, इसमें है हमारा जो छुपा हुआ इंग्रेडिएंट है, ठीक है जी। ये देखिए जी, वैसे सब जानते ही होंगे इसके बारे में, लेकिन मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए इसको अलग से रखा हुआ है। कई लोग इसको यूज करते हैं, कई लोग इस इंग्रेडिएंट को यूज नहीं करते हैं खाने में। ये देखिए जी, ये जीरा है, जीरा बिल्कुल सिंपल जीरा है, काली जीरी नहीं है, सिंपल जो अपने घरों में तड़का लगाते हैं ना, वो सिंपल जीरा होता है, वो वाला ब्राउन वाला जीरा है। इसको मैंने सेक के और इसका पाउडर बना लिया है, और ये ही हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इसके टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है अगर आप डालते हैं, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं, आप बस थोड़ा सा ऐसे मिक्स करें और एक बार और आप चला रहे हैं मिक्सी को, ठीक है जी। अभी मैं मिक्सी को चला के लेके आ रहा हूँ, फिर आपको फाइनल शक्ल निकाल के दिखाती हूँ, जिसमें हमारा ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसको तो जो भी मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल मिक्स हो चुका है, ये देखिए जी, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश, बहुत ही प्यारा कलर आया। अगर आप फ्रेश चटनी बनाते रहिए, बना के रखने की जरूरत नहीं है फ्रिज में, जिस हिसाब से आपके घर में मेंबर है उस हिसाब से आप एक दो बार बनाएंगे ना, आपको आइडिया हो जाता है क्या कितनी क्वांटिटी में आपको बनानी है। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये फाइनल प्रोडक्ट ऐसे बन के आता है, और ये देखिए बहुत ही अच्छी चटनी बनी है ये,
और इसको आप गार्निश करने के लिए आप हल्का सा इसमें मिंट लगा के ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। और आप फ्रिज में रखिए इसको थोड़ा टाइम, बस आधा घंटा फ्रिज में रख देंगे ना तो ये ठंडापन इसमें आ जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। आपको ध्यान होगा बचपन में अपन एक मिंट की गोलियां खाते थे ना मीठी, उसके वो पानी पीते थे तो बड़ा अच्छा रिफ्रेशमेंट सी मिलती थी, उसी हिसाब से आप चटनी को भी आप खाते हैं ना तो बड़ा रिफ्रेश आपका टेस्ट लगता है और आपका बड़ा माइंड बड़ा बड़ा ही इसका जो टेस्ट है वो एनहेंस हो जाता है, ठीक है जी। चलिए जी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है, आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो, प्लीज मेरी जो रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, लेकिन वैसे मैंने सारी क्वेरीज अभी क्लियर कर दी है, कोई क्वेश्चन आई थिंक सो आपके पेंडिंग नहीं रहे होंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।